दसवें हफ्ते की टॉप 10 शोज की टीआरपी सामने आ चुकी है, जिसमें नागिन 6 ने धमाकेदार एंट्री करते हुए अच्छी रेटिंग्स हासिल की है। ऐसे में बिना वक्त जाया किए जल्दी से आपको भी बताते हैं इस हफ्ते के टॉप 10 शोज की लिस्ट के बारे में। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे नंबर 10 के पायदान पर आए शो से। तो 10वां पायदान इस हफ्ते हासिल किया है साथ निभाना साथिया 2 ने, जिसे मिले हैं 2.0 रेटिंग पॉइंट्स। नंबर 9 के पायदान पर है जी टीवी का पॉपुलर शो कुंडली भाग्य, जिसको मिले हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स। 8वां नंबर हासिल किया है कलर्स टीवी के पॉपुलर शो ने, जिसको मिले हैं 2.1 रेटिंग पॉइंट्स ही। तो वहीं 7वां पायदान हासिल किया है जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य ने। जी हां, एक बार फिर से इस शो ने बाप के टॉप 10 शोज की लिस्ट में जगह बना ली है और शो को इस हफ्ते मिले हैं 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। अब बात नंबर 6 के पायदान पर आए शो की कहते हैं, तो इस हफ्ते इस पायदान पर एकता कपूर के नागिन 6 ने धमाकेदार एंट्री दी है। जी हां, पिछले हफ्ते नागिन 6 टॉप 10 शोज की लिस्ट से बाहर था, तो वहीं इस हफ्ते नंबर 6 की पोजीशन पर धाकड़ एंट्री करते हुए नागिन 6 ने हासिल किए हैं 2.2 रेटिंग पॉइंट्स। अब बात टॉप 5 शोज की करते हैं, तो नंबर 5 पर है स्टार प्लस का पॉपुलर शो इमली, जिसे मिले हैं 2.4 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं 4वां पायदान हासिल किया है ये है चाहते शो ने विद 2.6 रेटिंग पॉइंट्स। 3रा नंबर हासिल किया है राजन शाही के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने, और शो को इस हफ्ते मिले हैं 2.6 रेटिंग पॉइंट्स। बात करते हैं दूसरे नंबर पर आए शो की, तो इस नंबर पर है गुम है किसी के प्यार में शो, जिसको मिले हैं 2.8 रेटिंग पॉइंट्स। तो वहीं हमेशा की तरह इस हफ्ते भी नंबर 1 के पायदान पर है राजन शाही का शो अनुपमा। यह शो को सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं, जो कि है 3.6 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है बाप के 10वें हफ्ते की टॉप 10 शोज की लिस्ट। अगले हफ्ते जब 11वें हफ्ते की टॉप 10 शोज की लिस्ट सामने आएगी, तो इन सभी शोज में से कौन से शो नेक्स्ट वीक की टीआरपी लिस्ट में बरकरार रहेंगे और कौन से हो जाते हैं आउट, ये देखने वाली बात रहेगी।